पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक गैंगस्टर का नाम सामने आया था, आपको याद होगा, गैंगस्टर टीनू हरियाणा। टीनू हरियाणा वो गैंगस्टर है जिसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने हथियारों का इंतजाम कराया था जेल में रहने के दौरान। और उसके बारे में एक खबर आई थी सितंबर या अक्टूबर के महीने में कि टीनू हरियाणा ने मानसा के पूर्व CIA इंचार्ज प्रीतपाल सिंह के साथ तालमेल बिठाकर पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। और ये मामला उस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था और एक कुख्यात गैंगस्टर, ए कैटेगरी के गैंगस्टर की अगर पुलिस के कस्टडी से फरार होने की बात निकल कर सामने आती है तो किस तरह से अब पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े होता है। तो सब कुछ हुआ क्योंकि उससे पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या तो हुई थी, तो पंजाब की पुलिस पहले ही टारगेट पर थी, खासतौर से मानसा की पुलिस। मानसा CIA की कस्टडी से एक और गैंगस्टर का फरार होना, उसी मामले में वो गैंगस्टर शामिल था, तो ये और पंजाब पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। तो फिलहाल उसी गैंगस्टर टीनू हरियाणा के बारे में अपडेट निकलकर सामने आ रही है, बताएंगे आपको विस्तार से, बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज कल नाइट, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। तो गैंगस्टर दीपक टीनू को भगाने के मामले में पुलिस ने अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस द्वारा गैंगस्टर दीपक टीनू, उसकी गर्लफ्रेंड जतेंद्र कौर और उसे भागने में मददगार बने CIA मानसा के पूर्व इंचार्ज प्रीतपाल सिंह समेत इस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। टीनू गैंगस्टर 1 अक्टूबर 2022 की रात को पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था और उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि वो विदेश चला गया है। उसकी गर्लफ्रेंड जो जतेंद्र कौर थी वो उसके साथ फरार होने वाली थी, बाद में वो मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ी गई थी और वो जो बयान दी थी पकड़े जाने के बाद कि टीनू तो यहाँ से विदेश निकल चुका है, मैं भी विदेश जाने के लिए तैयार थी। लेकिन बाद में जब टीनू की गिरफ्तारी हुई तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे राजस्थान के अजमेर के केकड़ी से गिरफ्तार किया था और उसके पास उस समय गोला बारूद भी बरामद हुआ था। और ये निकल कर बातें सामने आई थी कि जग्गू भगवानपुरिया का कहीं ना कहीं उससे उसमें हाथ था, उन हथियारों को लेकर वो किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की भी फिराक कर रहा था। लेकिन 20 जून 2022 को पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन मोहाली ने फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में भी एक FIR दर्ज की थी। ये केस IPC की धारा 384, 465, 466, 468, 471, 120B और पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 समेत आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत इस पूरे मामले में FIR दर्ज किया था। और इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कर्मवीर सिंह, सतेंद्र गोल्डी बराड़, सतवीर वडिंग, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई जैसे कई नाम थे जिनको आरोपी बनाकर इस पूरे मामले में नामजद भी किया गया था। और इन सभी आरोपियों पर यह आरोप लगा था कि इन्होंने फर्जी पासपोर्ट बनाकर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और भांजे को यहाँ से विदेश में भेजा था। तो फिलहाल गैंगस्टर टीनू हरियाणा को लेकर यही बड़ी खबर आ रही है कि टीनू हरियाणा को फरार करने के मामले में जितने भी 10 आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। वैसे आपको बता दें कि पंजाब की पुलिस इन गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए दिन रात कोशिश में लगी हुई है और चाहे टीनू हरियाणा हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी ए कैटेगरी के गैंगस्टर हैं, इन सभी पर शिकंजा कसने जाने की बातें भी की जा रही हैं। तो फिलहाल इस केस में बस इतना ही अपडेट था, बने रहिए आप BDF न्यूज के साथ। जैसे ही और कोई अपडेट आएगा पंजाब के अपराध की दुनिया को लेकर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार।